गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मोहित सर जो हैं आज छुट्टी पे हैं, ठीक है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उनका आज लीव है, तो उनकी जगह पे आज केवल मैं क्लास ले रहा हूँ। अगले सप्ताह से जो है मोहित सर क्लास लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम की तैयारी के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए जो है आप लोगों की मास्टर क्लास शुरू हुई थी। कब मास्टर क्लास शुरू हुई थी? 15 फरवरी को आपको मास्टर क्लास शुरू किया गया था, जिसमें मोहित सर ने आप लोगों को बहुपद पढ़ाया होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आप लोगों को यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्योंकि बहुपद आप लोगों ने पढ़ रखा है, मोहित सर पढ़ाए होंगे। आज मास्टर क्लास का दूसरा चैप्टर हम लोग, गणित का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज का जो दूसरा चैप्टर है वो है 9M04 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे तो चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? तो एक ऐसा इक्वेशन, यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें जो समीकरण होगा उसके जो वेरिएबल्स होंगे उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। तो आप सभी के लोगों को पता होगा कि चर क्या होता है? वेरिएबल्स होता है जिसके वैल्यू बदल सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, इसके वैल्यू बदल सकते हैं। और जिसमें टू वेरिएबल्स होगा, यानी एक्स और वाई अगर, या जेड और एक्स होगा, यानी कुछ भी दो वेरिएबल्स होगा, आज जिसका पावर लीनियर क्या होता है? जिसका पावर एक होता है। लीनियर किसे कहते हैं? जिसका पावर यानी घात जो होता है, जिसका पावर यानी कि घात जो होता है क्या होता है? वन होता है। और इक्वेशन क्या होता है? जब हम व्यंजक में, जो आपने बहुपद पढ़ा था ना, जैसे आपने पढ़ा होगा 3x+1 भी क्या है? एक व्यंजक है। आपने पढ़ा होगा 5x² + 2 क्या है? एक व्यंजक है। लेकिन जब इस व्यंजक में हम इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो ये इक्वल का साइन लगाते ही क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी जिसमें दो चर होंगे, पावर कितना होगा? वन होगा, और वो इक्वेशन होगा, यानी कि प्रत्येक इक्वल के साइन के साथ लिखा जाएगा। तो आप लोगों को ये बेसिक बातें क्लियर हो गई होगी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जनरल फॉर्म होता है, और वो जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जो होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म होता है, जहां पे एक्स और वाई जो होता है क्या होता है? दो वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्स और वाई जो होते हैं इसमें टू वेरिएबल्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि टू वेरिएबल्स है तो देखिए इसे लीनियर क्यों कहेंगे? कि एक्स का पावर भी वन है, वाई का भी पावर वन है, तो इसलिए ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पे इक्वल का साइन है। तो जो चीजें यहाँ पे लिखी गई है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम उसको कहते हैं कि इसका जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जो होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये एक्स है, ये वाई है, ये तो वेरिएबल्स है, फिर ए बी और सी क्या है? तो ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या है? वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, मतलब डैश 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 जो है ये कांस्टेंट है, रियल नंबर है। अब आप फिर पूछेंगे कि सर क्या ए और बी जीरो हो सकता है? तो देखिए सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए और बी जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। अब आप पूछेंगे ए और बी जीरो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर मैंने ए का मान जीरो रखा तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, अगर मैंने बी का मान जीरो रखा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसीलिए ए और बी कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो वेरिएबल्स होते हैं, पावर वन होता है, समीकरण है तो इक्वल के साइन के साथ लिखा जाता है, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है, सामान्यतः रूप है। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक बेसिक बातें? क्लियर है सभी बच्चों को? गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है? एक बार वाइट टाइप करके सभी बच्चे बता देंगे, क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत अच्छा। चलिए, तो आपके सामने एक प्रश्न है, आप इसे पहले सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसको जो है पूरे तरीके से समझाऊंगा। आप पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको तो मुझे पहले ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं।
ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है। आपके एग्जाम में जो है ना कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं रहते, यानी आपको उसको बनाना रहता है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, रूट टू एक्स, देखिएगा रूट टू एक्स इक्वल टू 7y-9 को जो है इसके जनरल फॉर्म यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म में लिखना है। तो लिख लीजिए किसके फॉर्म में लिखना है, ax+by+c=0 के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, इसको जो है इसके फॉर्म में लिखना है। तो चलिए रूट टू एक्स तो ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं रूट टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 7y जो है अगर प्लस के इधर आएगा लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा, और ये जो -9 है अगर प्लस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और इधर में क्या बचेगा, शून्य बदलेगा। तो बताइए जो क्वेश्चन में कहा गया था कि रूट टू एक्स इक्वल टू 7y-9 को ax+by+c के फॉर्म में लिखिए, तो हमने लिख दिया। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कि ए बी और सी का मान भी बताइए। तो यहां पे आप देख सकते हैं सभी बच्चे कि एक्स का कोफिशियंट ए है और वाई का कोफिशियंट बी है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो एक्स का कोफिशियंट होगा वही तो ए होगा, यहाँ पे जो वाई का कोफिशियंट होगा वही तो बी होगा, यहाँ पे जो सी होगा वही तो 9 होगा। तो यहां से आपने क्या देखा कि ए बराबर हो गया कितना, एक्स का कोफिशियंट ए है यानी एक्स का कोफिशियंट ए बराबर क्या हो जाएगा, √2। यहाँ पे बी लिखना है तो देखिए वाई का कोफिशियंट बी है यानी यहाँ पे वाई का कोफिशियंट -7 है यानी कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। यहाँ पे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से जो है एग्जाम में लिख के दिखाना रहता है कि ए का मान यहाँ पे कंपेयर करने पे √2, बी का मान -7 और सी का मान 9 हो गया। यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है, हमने इसको कैसे किया, हमें इस प्रश्न को जो है इसके जनरल फॉर्म में लिखना था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया ax+by+c=0 के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। मोहित सर एक्चुअली आज छुट्टी पे हैं इसीलिए क्लास आज की मैं ले रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे से क्लासेस मोहित सर ही लेंगे, केवल आज की क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है सर, ये आप फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं क्लास में लेट से ज्वाइन हुई थी। तो क्लास के आप एंड में पूछना क्योंकि बाकी बच्चे तो समय से जुड़े थे, उनका तो हो गया ना कवर, तो आप क्लास के एंड में आप पूछ लेना, बाकी जो समय से जुड़े थे उन सभी बच्चों को क्लियर है, उन सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार बताएंगे वाई टाइप करके, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, वाई टाइप करके सभी बच्चे, जेड सेक्शन बंद था। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे √2x=7y-9 दिया गया था और कहा गया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्म है क्या होता है, ax+by+c=0, इसके फॉर्म में बदलना था। तो हमने √2x को √2x के सामने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें by के सामने y लाना था तो हमने प्लस के इधर लेके आया तो वो -7y हो गया, -9 था प्लस का राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाया तो +9 हो गया, अब इधर क्या बचा, 0 बचा। बात समझ में आया। तो यहां से फिर पूछा गया था ए बी और सी का मान पूछा था, तो मैंने कहा कि एक्स का कोफिशियंट ए है, एक्स का कोफिशियंट ए है तो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट √2 है। तो पूछा गया ए का मान क्या हुआ, तो ए का मान वही होगा जो एक्स का कोफिशियंट होगा, तो एक्स का कोफिशियंट √2 है तो ए का मान हो गया √2। यहाँ पे बी जो है वाई, वाई का क्या है कोफिशियंट बी है, तो यहाँ पे जो वाई का कोफिशियंट होगा वही तो बी का मान होगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा, -7, सी का हो जाएगा 9। तो अभी सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से, अभी सभी बच्चों को क्लियर है ना, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, एक बार सभी बच्चे पहले इसे पोल सेक्शन में करेंगे क्योंकि आप लोग इसे स्कूलों में पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप करिए, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण क्या दिया गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक समीकरण दिया गया है 7x+5y=3। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है, दो चर हैं, एक्स और वाई जो हैं दो चर हैं। तो पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई के कितने मान हम रख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई होगा इक्वेशन, 7x+5y=3 के कितने हल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कितने हल हो सकते हैं। हल का मतलब क्या हुआ,
एक्स और वाई के हम कितने ऐसे वैल्यू रखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है बराबर आने पे, एक्स और वाई के कितने ऐसे मान रखेंगे कि ये 3 के बराबर होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी लोग देखेंगे और बनाएंगे, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप कर लो उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं। 30 सेकेंड। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो है मैं चैट सेक्शन ऑन कर दिया हूं, आप लोग यहां पे भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, हमें एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं और पावर एक है, यानी ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हमसे पूछा गया इसके कितने हल हो सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, 7x+5y=3 के कितने हल हो सकते हैं, यही तो क्वेश्चन है, 7x+5y=3 के कितने हल हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमें पूछा गया इसके कितने हल हो सकते हैं, यानी x और y के कितने ऐसे वैल्यू होंगे जो हम यहाँ पे रखेंगे और ये बराबर 3 होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि x बराबर मान लेते हैं क्या 0, x बराबर हमने मान लिया 0। तो अगर हम x बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7x+5y=3। अगर हमने मान लिया x बराबर 0, x का मान हमने 0 रख दिया, तो 7x+5y=3 हो जाएगा, यानी कि यहां से 7x0=0, तो यहां से हो गया 5y=3 और यहां से y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 3/5। तो आपने समझा यहां पे क्या समझा, कि अगर हम x का मान 0 रख रहे हैं, 0 कितना रख रहे हैं, x का मान 0 रख रहे हैं, तो y कितना आ रहा है 3/5 आ रहा है। अब इसी प्रकार हम y का मान एक बार 0 रखते हैं, देखिए 7x+5y=3 में अब हम y का मान 0 रख देते हैं, तो देखिए क्या होगा, 7x+5×0 हो जाएगा बराबर 3, ठीक है। और यहां से जब x का मान निकालिएगा तो क्या होगा, तो ये 5×0=0 हो जाएगा, यानी 7x=3 हो जाएगा, और यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, यानी कि यहां पे अगर हम y को 0 कर रहे हैं तो x आ जा रहा है 3/7, ठीक है। तो ये सब बिंदु जो आ रहे हैं क्या है? इसके हल है। आपको कैसे पता इसके हल है, तो आप चेक कर लीजिए, 7x+5y=0 में आप x का मान 0 रखिए और y का मान जो है 3/5 रखिए, देखिए ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप इसे करेंगे ना तो ये बराबर आएगा, देखिए आपको विश्वास हो जाएगा। तो देखिए 7 में अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 5 में अगर 3/5 y का मान रखिएगा तो कितना आएगा, देखिए ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 था ना प्रश्न में, यहाँ पे प्रश्न में 3 था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3/3 आ गया, यानी कि ये इसका क्या है, एक हल है। तो जब ये बराबर हो गया मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका एक हल है। बातें समझ में आ रही है? तो हमने देखा कि x का मान अगर हमने 0 लिया, x का मान 0 लिया तो y का मान 3/5 आया, जब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान 3/7 आया। अब जैसे ही अगर हमने 7x+5y में इक्वल टू 3 में जैसे ही हम x का मान 1 लेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, जैसे ही x का मान हम 2 लेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे हम x का मान बदलेंगे y का मान बदलते चला जाएगा,
यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल से, तो इसके अनगिनत हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेकों हल हो सकते हैं। एक बार मैंने एक्स को जीरो किया, एक बार वाई को जीरो किया, तो दो हल प्राप्त हुआ। अगर मैं एक बार एक्स को वन करूंगा तो वाई का कुछ मान आ जाएगा, तीसरा हल हो जाएगा। फिर मैं एक्स को टू करूंगा तो वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, चौथा हल हो जाएगा। वाई को मैं एक बार जीरो, माने बात से समझ में आ रहा है कि अगर मैं जैसे जैसे एक्स का मान बदलूंगा, वन करूंगा तो वाई बदल जाएगा, इसको एक्स का टू करूंगा तो वाई फिर बदल जाएगा, थ्री करूंगा तो वाई फिर बदल जाएगा, फोर करूंगा तो वाई फिर बदल जाएगा। यानी कि एक्स का मान बदलने के साथ ही वाई का मान बदलते चला जाएगा और इसके अनेकों हल हो जाएंगे। बात समझ में आया? तो इस चीज को हमेशा ही याद रखना है कि जब भी लीनियर इक्वेशन हो और टू वेरिएबल्स हो, लीनियर इक्वेशन हो और टू वेरिएबल हो, यानी 7x + 5y = 3 क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेकों हल हो सकते हैं। एक बात बताएंगे, 100x + 50y = मैंने लिख दिया 5, इसके कितने हल होंगे? इसके कितने हल होंगे? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। अनेकों हल होंगे, क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें भी दो वेरिएबल है, ये भी लीनियर है क्योंकि पावर एक है, तो इसके भी कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि जब कभी हमें ऐसा इक्वेशन आ जाए जो कि लीनियर हो, दो वेरिएबल हो, तो हम सीधे कहेंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। खत्म। ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर टू? ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बहुत अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि आपके सामने दिया गया है कि जांच कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x + y = 9 का हल नहीं है। हल नहीं है, क्या पूछ रहा है? हल नहीं है। अगर पूछा होता कि हल है तो हम चेक करते कि x के कौन सा मान, ये 1 क्या है, x है, 8 क्या है, y है, ये 1 5 क्या है, x है, और ये क्या है, y है, ये 7 क्या है, x है, और ये 2 क्या है, y है, ये 0 क्या है, x है, और ये 9 क्या है, y है। तो आपको रख के इसमें मान को, ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को चेक करना है कि किसका मान यहाँ पे रखने पे क्या होता है, ये बराबर नहीं होता है। तो सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाएंगे, इसका आंसर करेंगे, चैट सेक्शन में नहीं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए सर, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना था, पोल सेक्शन में। गलत बात है, आप लोगों ने चैट सेक्शन में ही आंसर कर दिया था, ये गलत बात है। मैं अभी क्वेश्चन समझा रहा था तब तक सभी लोगों ने आंसर कर दिया था, ऐसे नहीं करते। बाकी लोगों ने देख लिया ना, ऐसा नहीं कीजिएगा आगे से। ठीक है, मैं समझा दूंगा तो पोल देता तब आंसर करना था, सभी लोगों ने आंसर देख लिया, सबने सही टिक आउट कर दिया, गलत बात है, ऐसा नहीं करना था। अच्छा, कितने बच्चों ने अपने से मेहनत नहीं किया और देख के कॉपी कर दिया? अभी मैं चैट ऑन करूंगा तो बताएंगे कि कौन कौन से वो लोग थे जो चीटिंग किए थे, बिना हल किए ही आंसर टिक आउट कर दिए। चलिए, इसको पोल को अब देने से कोई फायदा नहीं है, मैं चैट सेक्शन ऑन करता हूं। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे हमें दिया गया है कि x + y = 9 का हल नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए x + y = 9, आपने लिख दिया। अब देखिए हमें पूछा गया कि कौन सा बिंदु जो है, ये बिंदु है जो इसका हल नहीं है, तो एक बार ऑप्शन ए को चेक करते हैं। एक्स के जगह पे एक बार 1 रखिए और वाई के जगह पे एक बार 8 रखिए, तो बताइए ये क्या हल होगा? 1 + 8 = 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9 = 9 हो जाएगा, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, x + y = 9 में दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, तो एक बार रखिए 5 और एक बार रखिए फिर से 5, अब बराबर 9 देखिए, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। तीसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा, सर 7 2 9 हो जाएगा जोड़ने पे, आ 0 9 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, उसका हल नहीं होगा। ये सभी बच्चों को क्लियर है? ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? तो अब एक सवाल मैं दे रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है। यहां पे 2x + 5y = 10 = 10 मत कीजिए, इसको जीरो कीजिए, इक्वल टू जीरो।
और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में ही आंसर करना है, ठीक है? तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, एक कोई भी चार सेक्शन में बंद कर दूं पहले, ना तो सभी लोग अब ये कर देंगे आंसर। 1 और 8, 2 और 6, 3 और 0, ठीक है, और 1 कर दीजिए इतना, ठीक है। अब आपको जो है चार सेक्शन में जाना है और सभी बच्चों, सॉरी, पोल सेक्शन में जाना है और सभी बच्चों को जो है कहाँ आंसर करना है? आंसर करना है आप लोगों को जो है, क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 4 है। आंसर करना है आप लोगों को पोल सेक्शन में। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में, कि इसका कौन सा हल है। मैंने प्रश्न में क्या कर दिया? कौन सा हल है? जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। सभी बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन में कि कौन सा हल है। हल बताना है, नहीं वाला नहीं, हल बताना है। देखिए, अब कुछ लोगों ने गलत कर दिया ना, मैं जानता था पिछला क्वेश्चन लोग बनाए नहीं थे, बस ऐसे ही मार दिए थे तुक्का। कौन सा हल है? एक बच्चे ने गलत किया है, कोई नहीं, हो जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सरल प्रश्न था, पूछा गया था कौन सा हल है, तो यहाँ पे x का मान ऐसा रखेंगे जो 0 हो जाए, तो 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 = 0 = 0। तो ये ऑप्शन डी जो होगा हल होगा, और ये दोनों तीनों नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। तो ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों को क्लियर है। आगे चले, सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर है, वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे सीखने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा कुछ और चीजें सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हम कुछ चीजें सीखते हैं। ग्राफ ले आते हैं, और ग्राफ पे मैं कुछ चीजें आप लोग को अभी पहले सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा, फिर हम लोग आंसर करिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए, इसी ग्राफ में ऊपर वाले को वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? y एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? y एक्सिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? x एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? x एक्सिस कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? y एक्सिस कहते हैं। ये जो है, 1 मिनट रुक जाइए यार। x एक्सिस है, इस पे मैं कुछ नंबर डाल देता हूं, फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको इससे समझ में आएगा। देखिए, मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। और यहां पे क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा? शून्य होगा। अब देखिए, मैं कह रहा हूं x = 2। सभी बच्चे बताएंगे x = 2 कहाँ होगा? y से 2 कदम दूर जाएंगे, y से 2 कदम दूर जाएंगे तो x = 2 मिलेगा, यानी यहां पे कहीं x = 2 होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? x = 2 अगर हमें दिखाना होगा तो यहाँ पे कहीं करेंगे, x = 2 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ x = 3, क्या कह रहा हूँ? x = 3, तो यहाँ पे x = 3 दिखाएंगे, दूसरा बिंदु जो x = 3 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ x = 1, तो x = 1 जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू कलर से कर रहा हूँ, वो होगा x = 1, जिसे मैंने ब्लू किया है वो क्या होगा? x = 1 होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं x = 0, क्या कह रहा हूं? x = 0, तो x = 0 जिसे मैंने ब्लैक कर रहा हूं यही बनाएगा,
एक्स बराबर जीरो जिसे मैंने ब्लैक किया है, तो अगर मैं इस लाइन को पूरा ही ब्लैक कर दूं तो ये जो लाइन होगी, एक मिनट रुक जाइएगा, ये जो लाइन होगी ये एक्स बराबर जीरो को दिखा रही है, ये ब्लैक जिसे मैंने किया है, तो ये ब्लैक लाइन जो है क्या दिखा रही है, एक्स बराबर जीरो को दिखा रही है। सभी बच्चे बताएंगे, दिखा रही है ना। अगर मैं ये ब्लू वाले पे खींच दूं लाइन तो ये एक्स बराबर वन को दिखाएगी, अगर मैं टू पे खींच दूं तो एक्स बराबर टू को दिखाएगी, और मैंने इस पे खींच दिया तो ये एक्स बराबर जीरो पे दिखा रही है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एक्स बराबर जीरो जो होता है उसका समीकरण कौन दिखाता है, वाई एक्सिस दिखाता है। एक्स बराबर जीरो का समीकरण कौन दिखा रहा है, वाई एक्सिस दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। सभी बच्चे बताएंगे, एक्स बराबर टू यहाँ पे था, एक्स बराबर थ्री यहाँ लास्ट वाला बिंदु था, एक्स बराबर वन ये ब्लू वाला था, और एक्स बराबर जीरो ब्लैक था, तो मैंने इसके खींच दिया। तो मैंने आपसे कहा कि एक्स बराबर जीरो जो होता है वाई एक्सिस का समीकरण दिखाता है, यानी वाई एक्सिस जो है एक्स बराबर जीरो का समीकरण दिखाता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, समझिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं वाई बराबर टू, वाई बराबर टू, तो वाई बराबर टू कहाँ होगा, ध्यान से देखिएगा, जिसे मैं रेड कर रहा हूं ये वाई बराबर टू होगा, जिसे मैंने अभी अभी रेड किया है ये y बराबर टू होगा, जिसे मैं बड़ा कर रहा हूं रेड, y बराबर टू होगा कि होगा, होगा ना, y बराबर टू होगा, y टाइप कीजिए जल्दी से, y बराबर टू होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं y बराबर थ्री, तो y बराबर थ्री कौन सा होगा, जिसे मैं पीला कर रहा हूं, पीला रंग से जिसे कर रहा हूं ये y बराबर थ्री हो जाएगा, y बराबर थ्री हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं y बराबर वन, तो y बराबर वन जिसे मैंने क्या किया, फिर से छोटा रेड किया, ये हो गया वाई बराबर वन, ठीक है, वाई बराबर वन। और जैसे ही मैंने कहा वाई बराबर जीरो तो ये ब्लैक वाला बिंदु जो होगा अब ये वाई बराबर जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसे खींच दूं, इसे अगर मैं खींच दूं बड़ा सा, तो ये लाइन जो होगी, ये जिसे मैंने ब्लू किया ये क्या दिखा रहा है, ये लाइन क्या दिखा रहा है, ये लाइन जिसे मैंने अभी खींचा ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वाई बराबर जीरो को, क्या दिखा रहा है, y बराबर जीरो को, और ये जिसे मैंने ब्लैक किया ये क्या दिखा रहा है, x बराबर जीरो को। समझ में आ रहा है ये क्या दिखा रहा है, ये पूरी लाइन x बराबर जीरो को, और ये जो ब्लू लाइन है x बराबर जीरो को दिखा रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि y बराबर जीरो जो है किसका समीकरण दिखाता है, x एक्सिस का समीकरण दिखाता है, y बराबर जीरो x एक्सिस ही दिखा रहा है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है, कि y बराबर जीरो जो है x एक्सिस समीकरण दिखाता है, और x बराबर जीरो जो होता है y एक्सिस का समीकरण दिखाता है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, फिर आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 9x प्लस 7y बराबर 63 का आलेख खींचिए, यानी इसका ग्राफ बनाना है। तो जब भी ये सा प्रश्न आएगा कि एक लीनियर इक्वेशन दिया होगा, इसमें टू वेरिएबल्स होगा और आपसे कहेगा उसका आलेख खींचिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक बार एक्स को जीरो मान लेना है, और एक्स को जीरो मानिएगा तो बताइए ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, 7y बराबर 63 हो जाएगा, और यहां से अगर y निकालिएगा तो 63 बट्टा 7, यानी y कितना आ गया, 9 आ गया, y कितना आ गया, 9 आ गया। अब एक बार जो है आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक बार एक वाई को जीरो मानिए, एक बार क्या कीजिए वाई को जीरो मानिए, एक बार जो है वाई को जीरो मानिए, एक बार मैंने क्या किया वाई को जीरो माना, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इधर बचेगा 9x बराबर 63, और यहां से अगर एक्स निकालिएगा तो क्या होगा, 63 अपॉन 9, और इसे कटाइएगा तो कितना आएगा 7, यानी कि एक बार यहाँ पे आ गया x का मान 7। तो यहां से मैं एक यहाँ पे एक ड्राइ क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स में x और y का वैल्यू भर दीजिए, कि अगर मैं कहता हूं कि x का मान और y का मान, x का मान अगर मैंने शून्य लिया है तो y हमें कितना मिला है, 9 मिला है, और y का मान मैंने शून्य लिया है, y का मान मैंने शून्य लिया है तो x का मान कितना मिला है, 7 मिला है। तो ये दो बिंदु हो गया, तो एक बिंदु क्या मिला हमें, 0 और 9, एक बिंदु क्या मिला, 0 और 9, और एक बिंदु मिला मुझे 7 और 0, एक बिंदु क्या मिला, 7 और 0।
तो यहाँ पे एक बिंदु में जो है एक्स जीरो है और एक बिंदु में जो है वाई नौ है और एक बिंदु में जो है एक्स सात है और एक बिंदु में जो है वाई जीरो है। बातें समझ में आ रही है? यहां तक सभी बच्चों को बताएंगे, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना कि x का मान हमने शून्य रखा तो y 9 आ गया, x का मान हमने 7 रखा तो y शून्य आ गया। अब हम इसी को खींच देंगे तो कौन सा बिंदु है 0 9 और 7 0 को अब हम खींचना शुरू करेंगे। 0 9 यहां पे लिख लेते हैं 0 9 और एक बिंदु है 7 और 0। तो आप मुझे बताइएगा, पहले मुझे खींचना है x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो ये काला लाइन हो गया, x बराबर 0 तो काला लाइन हो गया। अब हमें y 9 चाहिए तो y 9 कहां होगा, सभी बच्चे बताएंगे y 9 कहां होगा, यहां पे होगा y 9, x से 9 कदम दूर जो होगा 9 होगा, y बराबर 9। तो ये जो बिंदु होगा, ये जो बिंदु होगा जहां पे ये कट रहा है, ये बिंदु क्या होगा 0 और 9 होगा, ठीक है। ये जो बिंदु होगा क्या होगा 0 और 9 होगा, जिसे मैंने ब्लैक किया है, ये बिंदु क्या हो गया 0 और 9 हो गया। इसी प्रकार अब हमें जो है y को 0 करना है, तो ये ब्लू कलर से जो लाइन खींची गई है वो क्या है, y बराबर 0 है और x बराबर 7 दिखाना है। तो x बराबर 7 है नहीं, y से 7 कदम दूर जाएंगे तो यहां कहीं होगा ये वाला बिंदु, कौन सा 7 0 वाला बिंदु यहां कहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे देखिए y 0 है और x 7 है, यानी कि ये जो बिंदु होगा क्या दिखा रहा होगा हमें, ये बिंदु जो होगा 7 0 को दिखा रहा होगा। आज जब हम इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, जब हम इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो ये हमारे समीकरण का क्या हो जाएगा, ये हमारे समीकरण का जो है आलेख हो जाएगा। कौन सा समीकरण का, 7x प्लस कितना था जी, इधर 7x प्लस सॉरी 9x प्लस, एक मिनट गलत लिख गया है, 9x देख लीजिए क्या था यहाँ पे, 9x प्लस 7y, ठीक है, 9x प्लस 7y इक्वल टू 63 का ये क्या हो गया, आलेख हो गया। तो आप लोगों को खींचने आया, कभी भी अगर आपको आलेख खींचने के लिए कहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो एक बार x को 0 बना दीजिएगा तो y मिल जाएगा, एक बार y को 0 कर दीजिएगा तो x मिल जाएगा। दोनों का वैल्यू यहां पे लिख लीजिएगा कि x अगर 0 है तो y 9 है, x अगर 7 है तो y 0 है। तो ये दो बिंदु मिल गया, एक बार x 0 9 और एक बार 7 0, हमने यहां पे खींच दिया 0 9 को और 7 0 को लाइन खींच दिया, ये इक्वेशन को दिखा रहा है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो आलेख होता है हमेशा ही एक सरल रेखा होता है, एक सीधी रेखा होता है। बताइए इसका आलेख ये रेखा दिखा रहा है ना ब्लैक वाला, तो ये क्या हो गया, एक सरल रेखा है। समझ में आया सभी बच्चों को? अब आप लोग खींच लेंगे ना, जब भी अगर खींचने की आवश्यकता होगी खींच सकते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन देगा तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे y निकाल लेंगे, एक बार y को 0 करेंगे x निकाल लेंगे, दो बिंदु हमें मिल जाएगा, दो बिंदु हमें मिल जाएगा, उसके बाद हमें तो खींचना आता है क्योंकि आपने सीख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें सभी बच्चे, y टाइप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें सभी बच्चे, y टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन आपके, ये रहा आपका सॉल्यूशन वाला पेज, देख लीजिए जो हमने बनाया था सेम टू सेम बनाया ना, 0 9 यहां पे दिखा रहा है और 7 0 यहां पे दिखा रहा है, इसे खींच दिया गया, ये रेड लाइन क्या दिखा रहा है, 9x + 7y = 63 को दिखा रहा है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक बिंदु दिया गया, कितना बिंदु दिया गया है, 3 और 4 दिया गया है और एक समीकरण दिया गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या दिया गया है, 3y बराबर ax प्लस 7 दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये जो इसी आलेख पे स्थित है, यानी इसका एक क्या होगा, हल होगा, ये जब इसी बिंदु पे स्थित है, आलेख पे स्थित है, यानी ये 3 4 भी क्या होगा, इसका एक हल होगा। तो a का मान ज्ञात करना है, तो ये हमें तो पता है कि ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है, तो इसको में हम मान रख देंगे, y का मान कितना 4 और x का मान कितना 3, तो हमें a का मान निकल जाएगा। तो देखिए 3 गुने 4 कर देंगे इधर में, बराबर a गुने क्या कर देंगे, x का मान 3 कर देंगे प्लस 7, तो बताइएगा 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 12 और a गुने 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 7। अब ये 7 इधर आएगा प्लस सॉरी इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 3 और यहां से a बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। बातें समझ में आई?
क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? हमें ए का मान निकालना था ना, और ये बिंदु दिया गया था 3 4, तो 3 क्या हो गया, एक्स हो गया, 4 क्या हो गया, वाई हो गया। तो हमें पता है कि ये इसका एक क्या है, हल है। तो हमने वाई की जगह पे वाई का मान रख दिया, एक्स की जगह पे एक्स का मान रख दिया, तो 3 के जगह पे 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो गया। ए को ए रहने दिया, एक्स का मान 3 रख दिया, प्लस 7 7 कर दिया। और जब हमने इसे क्या किया, सॉल्व किया, तो हमें ए का मान मिल गया ए बराबर 5/3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। जिस भी बच्चे को डाउट है वो माइक ऑन करे और पूछ ले, जहां पे भी डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। जिनको पूछना है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, जिनको भी पूछना है माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए, अगर डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए, अगर नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे प्रश्न अगर जब भी आपसे पूछेगा, कहा गया कि ये एक बिंदु है, इस समीकरण का आलेख पे स्थित है, ए का मान ज्ञात कीजिए, कभी कभी के का मान ज्ञात कीजिए, कभी कुछ दे देता है, तो आपको उससे कंडीशन में कुछ नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, वाई है। हम उस समीकरण में एक्स और वाई का मान रख देंगे और ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या है हमारा, समीकरण क्या है, 2x+8 = 0। समीकरण क्या है, 2x+8 = 0। और कहा गया है कि इसका ज्यामिति निरूपण कीजिए। एक बार कह रहा है एक चर वाला, एक बार कह रहा है दो चर वाला, तो पहले हम एक चर वाला करते हैं। तो x का मान यहाँ पे निकाल लीजिए, एक चर वाला मतलब x का मान निकाल लीजिए। तो 2x बराबर, अगर ये 8 उधर जाएगा तो किधर हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और यहां से x का मान निकालिएगा तो कितना आएगा, -4 आएगा। आएगा, सभी बच्चे बताएंगे x बराबर -4 आएगा, बताइए सभी बच्चे, आएगा ना। अब हम इसे संख्या रेखा पे दिखा देते हैं। तो जब भी एक वेरिएबल का दिखाना होता है तो हम उसे संख्या रेखा पे दिखा देते हैं। ठीक है, किस पे दिखा देते हैं, संख्या रेखा। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बीच में कहीं 0 होगा, 1 2 3 4 5। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको एक्स बराबर -4 दिखाना है, एक्स बराबर -4 दिखाना है, तो यही तो बिंदु होगा जो एक्स बराबर -4 को दिखाएगा। ये वाला क्या होता है, ये वाला जो होता है ये ऊपर होता है, जो क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। तो वाई से -4 जाना है, वाई से -4 जाना है, तभी तो एक्स बराबर -4 मिलेगा हमें। मिल गया एक्स बराबर -4, बताइए क्लियर है? एक्स बराबर -4 कैसे दिखाना है, समझ में आ गया? अब मैं आपसे कहता हूं एक्स बराबर एक्स बराबर 3 दिखाइए। एक्स बराबर 3 कहाँ होगा, एक्स बराबर 3 कहाँ होगा, अपने मन में सोचिए, मैं इसे डार्क करता हूं। एक्स बराबर 3 जो होगा यहाँ कहीं होगा, कहाँ होगा, एक्स बराबर 3 जो होगा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये बिंदु एक्स बराबर 3 दिखा रहा है, ये बिंदु एक्स बराबर -4 दिखा रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अगर एक चर है, ठीक है, तो -4। अगर मैं कहूं कि दो चर करना है, तो दो चर कह रहे हैं और x बराबर -4 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि y बराबर क्या है, 0 है। y बराबर क्या है, 0 है। तो अगर हमें दो चर में करना होगा तो यहाँ पे x बराबर -4 दिया गया है और इसी को कह रहा है दो चर में खींचिए, तो हम यहाँ पे y को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो y को शून्य करेंगे तो कैसा बनेगा डायग्राम, तो पहले हमें तो अब x और y दोनों लेना पड़ेगा, x और y दोनों लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला ये क्या हो गया, ये वाला हो गया y और ये वाला हो गया x, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5।
फाइव सिक्स, इधर हो जाएगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। तो हमें एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स बराबर माइनस फोर दिया है, एक्स बराबर माइनस फोर दिया है, और वाई बराबर कुछ नहीं दिया है, मतलब कि क्या है, शून्य है। तो इस बिंदु को दिखाना है, तो एक्स बराबर हम पहले क्या खींच देते हैं, माइनस फोर को। तो एक्स बराबर माइनस फोर जो होगा कहाँ आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है, कहाँ आएगा, एक्स बराबर माइनस फोर यहां पे आएगा। और वाई बराबर जीरो कहाँ आएगा, वाई बराबर जीरो कहाँ आएगा, इसी लाइन पे आएगा, जो ये लाइन ग्रीन वाला है, एक्स वाई बराबर जीरो यही तो होता है ना, वाई बराबर जीरो ये रेड लाइन होता है। अब इसी को अगर हम खींच देंगे पूरा सीधा सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो खींच देंगे हम पूरा लाइन ये अगर सीधा, तो ये जो लाइन होगा रेड लाइन जो होगा क्या दिखा रहा होगा, ये दिखा रहा होगा आपको बिंदु माइनस फोर और जीरो को। तो ये दो चर वाला हो गया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। दो चर वाला कैसे दिखाएंगे, एक्स और वाई में दिखाएंगे, और एक चर वाला को कैसे दिखाएंगे, संख्या रेखा पे दिखाएंगे। समझ में आया, किसी बच्चे को डाउट है, एक चर वाला गा तो संख्या रेखा पे सीधे, दो चर वाला होगा तो दो बिंदु दिखाना होगा, वाई जीरो और एक्स माइनस फोर। किसी बच्चे को डाउट, वाला वाली रेखा पे आए तो अगर केवल वाई वाला पे, जैसे मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया और मैंने कह दिया कि फाइव वाई प्लस टू बराबर दे रखा है आपको आठ, ठीक है, तो यहां से आप देखिए क्या आएगा, फाइव वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कर दीजिए आप, एक मिनट रुकिए, इसको आप कर दीजिए 12, ठीक है, इसको मैंने कर दिया 12। अब मैं कह रहा हूं कि आप बताइए y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर क्या होगा, 12 माइनस टू हो जाएगा, और यहां से y निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा सभी बच्चे बताएंगे, y बराबर 2 आएगा, बताइए सभी बच्चे आएगा ना। तो यहाँ पे y बराबर अगर 2 है और हमें इसको दिखाना होगा संख्या रेखा पे, तो हम क्या करेंगे, ये y एक्सिस लेंगे, ऐसे हमने क्या ले लिया, y एक्सिस ले लिया, क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है, वाई एक्सिस ले लिया। तो यहां पे कहीं हम क्या ले लेंगे, जीरो मान लेंगे कि ये जीरो होगा, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाएंगे तो निगेटिव, ठीक है, इधर लिखता हूं, एक मिनट रुक जाइएगा, निगेटिव वाला इधर लिखता हूं, इस साइड माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस फोर, हमें वाई बराबर टू दिखाना है। तो ये जो बिंदु होगा जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाई बराबर टू को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लैक वाला बिंदु जो होगा वाई बराबर टू दिखा रहा है, दिखा रहा है। अब आप कहेंगे कि हमें दो चर में दिखाना है, तो दो चर में दिखाना यानी कि एक्स बराबर हमें क्या लेना होगा, जीरो। तो अब हमारा बिंदु क्या हो गया, जीरो और टू हो गया, यानी एक्स जीरो होना चाहिए और वाई जो है कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक एक्स भी लेना पड़ेगा हमें, तो यहां से एक और लाइन खींच देंगे ये जीरो पे, और ये वाला लाइन क्या हो गया, ये वाला लाइन जो हो गया हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे एक्स को जीरो दिखाना है, एक्स को जीरो दिखाना है, तो एक्स का जीरो मतलब क्या है, अब जिसे मैं येलो कर दूंगा ये एक्स का जीरो हो गया, ये वाला लाइन जो कर दिया ये एक्स जीरो हो गया, ये वाला बिंदु जो होगा दिखा रहा होगा क्या, बिंदु दिखा रहा होगा जीरो और दो। समझ में आया, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किसे क्या करना है, आपको ये जानना है कि एक चर वाला होगा तो ऐसे सीधी रेखा पे, और दो चर वाला होगा तो एक्स और वाई दोनों लेना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, और किसी बच्चे को डाउट है, इसका आंसर भी देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर देख लीजिए, ये संख्या रेखा पे माइनस फोर, एक्स बराबर माइनस फोर यहाँ पे दिखा दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखाया गया, ये वाला बिंदु जो है क्या दिखा रहा है, ये वाला बिंदु दिखा रहा है माइनस फोर और जीरो दिखा रहा है, तो यही तो बिंदु हुआ आपका आंसर, यही वाला बिंदु जो है आपका आंसर हुआ, ठीक है, यही वाला बिंदु जो है क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, एक्स बराबर माइनस फोर और वाई बराबर शून्य, यही बिंदु दिखा रहा है ना, तो यही बिंदु है एक्स बराबर माइनस फोर और जीरो, ठीक है। तो दो चर वाला हमेशा ऐसे बनेगा, एक चर वाला हमेशा एक सीधी रेखा पे बनता है, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो अभी आपने इस चैप्टर से जो चीजें सीखा,
ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो क्या क्या सीखा ये देखिए। आपने सीखा होगा पहला बात मैंने बताया आपको कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जो होता है समीकरण है जिसमें ए बी सी क्या होता है वास्तविक संख्या यानी कि कांस्टेंट होता है और ए और बी दोनों ही शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर एक शून्य करेंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, अगर बी को शून्य कर देंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, अगर पूरा शून्य हो जाएगा तो फिर ये ये दो वेरिएबल वाला नहीं होगा, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्लियर है? ये सभी बच्चों को शुरुआत में ही बता दिया था। तो इस चैप्टर से आपने ये पहली बात सीखी। दूसरी बात आपने क्या सीखी? दूसरी बात आपने सीखी थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर कुछ भी हो जाए, जैसे 2x + 5y = 3 कुछ भी हो जाए, उसके अपरिमित रूप से कितने हल हो सकते हैं? अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये दूसरी बात आपने सीखी थी। तीसरी बात आपने क्या सीखी थी? तीसरी बात आपने सीखी थी कि दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। जैसे आपने वो मिलाया था 0 और 9 को, ठीक है, और 7 और 0 को मिलाया था, तो क्या हुआ था? एक सीधी रेखा आई थी। तो यही कहा जा रहा है कि दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? एक सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? तीसरा पॉइंट भी बताइए, क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट आपने सीखा होगा कि अगर x 0 होता है तो उसका समीकरण कौन दिखाता है? y एक्सिस समीकरण दिखाता है, और जब y 0 होता है तो उसका समीकरण x एक्सिस का होता है। ये बात भी आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया था। देखिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, ये वाला मैंने दिखाया था कि अगर x 0 है तो y एक्सिस दिखाएगा, अगर y 0 है तो x एक्सिस दिखाएगा। तो ये चीजें भी आप लोग सीख चुके हैं। तो चौथा पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर है, चौथा पॉइंट आप लोगों को क्लियर है, तीसरा भी क्लियर है, दूसरा भी क्लियर है, पहला भी क्लियर है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो बस यही आपको चार पॉइंट इस चैप्टर से सीखना था। सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। आपको होमवर्क जो होगा मैं अभी लिंक शेयर करता हूं, उस होमवर्क को आपको करना है। एक मिनट रुकिएगा, चैट सेक्शन में मैं एक लिंक शेयर करता हूं, आपको उसी को होमवर्क के रूप में करना है। एक सेकेंड रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है, सभी बच्चे रुकेंगे एक सेकेंड, मैं अभी होमवर्क शेयर करता हूं, आप लोग को लिंक देता हूं। हाँ देखिए, आपका चैट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है? आपका होमवर्क है, आपको इसे करना है। आप इस लिंक पे जब क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका एसआरए नंबर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एसआरए नंबर पूछा जाएगा। एसआरए नंबर जब डालिएगा ना, तो आपसे आपकी भाषा पूछी जाएगी। तो आपकी जो भाषा होगी आप उसे सिलेक्ट करना, उसके बाद आपके सामने 8 से 9 क्वेश्चंस आएंगे, 8 से 9 क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसे सॉल्व करना रहेगा। तो ऑप्शन वहीं पे टिक आउट करना रहेगा, आपको चार विकल्प स्क्रीन पे दिखेगा, उसी स्क्रीन पे टच करना रहेगा और आप अपने 8 से 9 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो होगा, आप जो अभी चैप्टर समाप्त हुआ है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसी के क्वेश्चन होंगे 8 से 9। ठीक है, तो सभी बच्चे होमवर्क को नोट कर लेंगे और आज के क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो अभी फिर से पूछ लेंगे। आज के क्लास से अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लेंगे, जिनको डाउट नहीं है वो आप जा सकते हैं। आज की क्लास इतनी थी, आपकी अगली क्लास जो है मोहित सर ही लेंगे, आज उनकी छुट्टी थी इसलिए मैंने लिया। ठीक है, अगली क्लास मोहित सर ही लेंगे। ठीक, अगर होमवर्क आज की अभी क्लास करना में है? कोई ठीक डाउट है तो होमवर्क आप कभी भी करो, लेकिन आज कर लेना है, 24 घंटा में कर लेना है, आज अगले 24 घंटा में आपको कर लेना है, क्योंकि अटेंडेंस आप लोग का इसी से लगेगा। तो सभी बच्चे लगा क्या, सर, होमवर्क तो क्लास के चैट सेक्शन में निकलता है ना? हाँ तो अभी तो मैंने दे दिया ना चैट सेक्शन में आपको होमवर्क, इसे आप सेव कर लो ना, किसी को सेंड कर लो या किसी को सेंड कर दो, यही आपका होमवर्क है, मैंने चैट सेक्शन में सेंड किया। ठीक है, अगर किसी सर ये बच्चे ग्रुप पे नहीं आ सकता? ग्रुप में भी आपको आएगा, ग्रुप में भी आएगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है, आपको ग्रुप में भी आएगा। ठीक है सर, थैंक्स। हाँ ठीक है, थैंक यू। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।